और फ्रेंड्स हम आज की इस वीडियो में ग्री डी सी इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात करेंगे और इसमें देखें जो इस वक्त इनडोर पे जो आ रहा है जी एरर कोड तो वो देख सकते हैं आपको जैसे कि आपने थम थमनेल में देखा तो यहाँ पे ये देखें पी एल की सूरत में ये एरर कोड आ रहा है तो ये क्यों आता है तो इसकी हम आपको मुकम्मल तफसील देंगे लेकिन उससे पहले एक और चीज भी कि जब ऐसा एरर कोड आएगा तो इनडोर पे तो आएगा ही आएगा इसके अलावा आउटडोर पे भी देखें जो एरर ब्लिंक है वो येलो तो जो येलो लाइट है ये जी ब्लिंक करेगी मुख्त पैटर्न की सूरत में तो देखें मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये कितने ब्लिंक्स इसके आएंगे तो देखें ये अभी इस वक्त रुकी थी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये जी बारह ब्लिंक्स आए हैं तो जब ये बारह ब्लिंक्स आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आउटडोर में भी सेम ही प्रॉब्लम है जो कि है पीएल तो चलिए आपको ये बताते हैं तमाम प्रॉब्लम अब यहाँ पे जब पी डिस्प्ले पे आएगा यूनिट के तो फिर क्या हो सकता है कि इसकी तीन से चार वजूहत हो सकती हैं तो चलें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तमाम ये क्लियर कर देता हूँ तो देखें मेरे सामने इस वक्त मेन बोर्ड एक पड़ा हुआ है जो कि के ए, लिए हम यूज़ करते हैं तो मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ तो देखिए अगर यूनिट आपने स्टार्ट किया है आपने क्या किया आपने पावर केबल यहाँ पे लगाई लगा के उस स्विच को स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही जो यूनिट का डिस्प्ले है आपको पी शो करना शुरू कर दे इस वक्त ये बंद है यूनिट लेकिन वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि फिर जो आपका जो मेन सप्लाई आ रही है आपकी वो कम है यानी कि अगर ये 185 वोल्ट से कम आ रही है सप्लाई तो यूनिट आपको पीएल जो है वो डिस्प्ले पे देना शुरू कर देगा तो फिर आपको जो इसकी पावर सप्लाई है वो ठीक करने की जरूरत पड़ेगी इसके बाद एक स्टार्ट हुआ और इनडोर तो स्टार्ट हो गया आउटडोर में आपने फिर ये चीज चेक करनी है कि क्या कर रहा है तो फैन चल गया लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट लेने लगा है और थोड़ा सा झटका लिया या थोड़ा सा तेज चल के और एकदम से बंद हो गया और यूनिट पर एल आ गया तो फिर इसका मतलब है कि आपने जो केबल्स यूज़ की हैं जो कि ये देखें इसकी मेन सप्लाई की केबल्स और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकली इनडोर टू आउटडोर केबल्स आ रही हैं वो फॉल्टी हैं वो अच्छी नहीं है कैसे अच्छी नहीं है अगर आप कमज़ोर तार लगाएंगे तो फिर ये मसला आएगा क्योंकि जूँ इसमें करंट का फ्लो बढ़ेगा क्योंकि कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है तो वो करंट्स जो है वो ज़्यादा लेना शुरू कर देता है इसकी वजह से अगर आपकी तारें कमज़ोर हैं तो वो पी एल शो कर देगा क्योंकि वहाँ पर एकदम से बिजली कमज़ोर हो जाएगी वोल्टेज कमज़ोर हो जाएंगे और वो यूँ वो जो है वो आपको पी एल डिस्प्ले पे देना शुरू कर देगा इसके अलावा एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर आपका यूनिट जो है वो स्टार्ट हो गया है स्टार्ट होने के बाद जो है वो कंप्रेसर भी चल गया है तकरीबन एक घंटे में तीन से चार दफ़ा पी एल आ गया है लेकिन फिर बंद हो जाता है कि कभी स्टार्ट हो जाता है कभी फिर पी एल आ जाता है कभी वो ठीक हो जाता है तो फिर ये वजह हो सकती है जी पीसीबी की तो चलिए मैं आपको पीसीबी में बताता हूँ कि पीसीबी में क्या क्या मसला आ सकता है इसके अलावा पीएल जो डिस्प्ले में आने की वजह हो सकती है जी लूज़ कनेक्शन तो अगर यहाँ पे देखें ये जो मेन सप्लाई है यहाँ पे लूज़ कनेक्शन हो जाए या फिर ये जो इसका कनेक्टर है यहाँ पे लूज कनेक्शन हो जाए तो फिर भी क्योंकि करंट का फ्लो जब होगा तो वो स्पार्क करेगा स्पार्किंग से जो है वोल्टेज और करंट का फ्लो डिस्टर्ब होगा तो उससे बार बार जो है पी डिस्प्ले पर आ सकता है अब यहाँ पर जब पी का मसला डिस्प्ले पर शो होगा तो उसकी जो है वो पी में भी मसला आ सकता है और इसमें क्या क्या मसला हो सकता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं तो उसमें क्या होता है कि अगर जो पीसीबी है इसमें वोल्टेज कम हो जाएँ तो वोल्टेज कैसे कैसे कम हो सकते हैं एक वजह कि अगर ये दोनों बड़े जो कैपेसिटर्स हैं ये ख़राब हो जाएं, किसी भी वजह से वीक हो जाएं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो अच्छे से आईपीएम की तरफ ना जा रहे हो तो फिर भी यूनिट आपको पीएल ही शो कर सकता है इसके अलावा इसकी मेन सप्लाई यहाँ पे देखें मेन सप्लाई में मसला आ जाए देखें मेरे पास एक और पीसीबी है मैं आपको दिखाता हूँ तो देखें ये देखें जी ये पीसीबी है और इसकी देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी कनेक्टर है ये खराब हो चुका है खराब होने जल जल चुका है बल्कि जलने से क्या हुआ है कि यहाँ पे कमजोर हो गया था टांका टांका जब कमजोर हो जाता है तो यहाँ पे करंट का फ्लो और इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज का फ्लो है वो अच्छा नहीं हो रहा जाता तो उस वजह से भी जो है वो यूनिट पी शो कर सकता है तो देखें ये इसकी मेन लाइन थी तो यहाँ पे देखें ये पी एल आ रहा था इस यूनिट पे तो हमने अभी इसको ठीक कर दिया है और ये यूनिट भी ठीक हो गया है इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम आ सकती है और वो प्रॉब्लम है जी इन कैपेसिटर्स की इसके अलावा इस बस बार की प्रॉब्लम हो सकती है वो बस बार क्या होती है जी तो ये जो वायर है ये जो जो इलेक्ट्रिकली जो आपको प्रिंट नज़र आ रहा है ये बस बार कहलाती है अब यहाँ पर देखें और दूसरी साइड पे देखें आप देख सकते हैं कि ये एक नेगेटिव पॉइंट जा रहा है और एक पॉजिटिव पॉइंट पॉइंट जा रहा है कंप्रेसर के सॉरी जो आईपीएम है इसकी तरफ जा रहा है तगरी में ये वायर जो है वो अगर जल जाती है कहीं से कट जाती है और कमज़ोर हो जाती है और यहाँ पर करंट का फ्लो जो है वो अच्छा नहीं रहता है यहाँ वोल्टेज का फ्लो अच्छा नहीं रहता तो फिर भी यूनिट आपको जो है वो पी दे सकता है तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें चेक कर लें तो आपका जो यूनिट है वो ठीक हो सकता है तो ज़्यादातर ये जो मसला है वो लो वोल्टेज के फ्लो की वजह से ही होता है और मेन जो आपको प्रॉब्लम मैंने वो भी बता दी और पीसीबी में ज़्यादातर कैपेसिटर्स और इसके बस बार और देखें इसके जो कनेक्टर्स हैं उसकी वजह हो सकती है